नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत केतु आप सबों के सामने हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आप लोगों को पढ़ने में आनंद आएगा और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर अन्य परीक्षाओं में, इसके अलावे आपके अपने 9th, 10th, 11th, 12th, आप सभी विषय मतलब हिंदी में आपको 9th, 10th, 11th, 12th सभी छात्रों के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा मेरे द्वारा पढ़ाई गई टॉपिक। मैं प्रशांत केतु BA MA हिंदी साहित्य में, इसके अलावा मैंने BEd और MEd भी कर रखा है, PhD कर रहा हूँ, साथ ही साथ नेट क्वालिफाई हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें या वीडियो आपको पसंद आएगा, तो कृपया आप इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों को पढ़ाई में थोड़ा मदद कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है कारक। आप 7वीं, 8वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्रों के अलावे यह कारक पाठ जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही लाभदायक होगा। यह 10वीं कक्षा के पहले स्कूली पाठ्यक्रम में भी कारक एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ जब आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके आप 11वीं और 12वीं कक्षा में जाते हैं तो वहाँ भी कारक आपको पढ़ना रहता है। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाते हैं, यदि आप CTET का एग्जाम देते हैं, BIHR TET का एग्जाम देते हैं, या फिर आप दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप SSC का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, या UPSC का एग्जाम दे रहे हैं, SSC CGL का एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी व्याकरण में कारक से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज कुछ जो मेरे नए व्यूअर हैं उनके कहने के उपरांत ही मैं आज आप लोगों को कारक पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हाँ, भले ही कुछ आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त जो 7वीं, 8वीं कक्षा में पढ़े और वो यदि आपके मस्तिष्क से विस्मृत हो गया हो तो पुनः आप इसे देखें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और जो चीज़ें कारक से जुड़ी हुई चीज़ें आप भूल गए हैं वह फिर से आपके मस्तिष्क में रिकॉल आ जाएगी, मतलब वापस चली आएगी। तो चलिए ठीक है, हम लोग कारक के बारे में जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, फिर से सुनेंगे, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध सूचित करे या स्थापित करे उसे ही कारक कहते हैं। मैं इस चीज को लिख भी दे रहा हूं लेकिन पहले आप इसमें डालने का प्रयास करें क्योंकि यही आपके काम आएंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, कृपया समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध सूचित हो या जो संबंध सूचित करे उसे ही कारक कहते हैं। ठीक है, मैं उसी चीज को फिर से लिख दे रहा हूं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। बहुत ही आसान से इसका परिभाषा है, मतलब यदि वाक्य में कोई शब्द है जो एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का काम कर रहा है उसे ही कारक कहते हैं। आप देखिए कि मैं एक लिख रहा हूं, देखिए यदि एक ये मैंने एक वाक्य लिखा, राम रावण बाण मारा, इसे यह पता नहीं चल रहा है कि कौन मारा, किसे मारा, किससे मारा, तो ये जो कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो क्या करते हैं कि मदद करते हैं अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने में। जैसे देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये जो ने है ना, ये जो को है ना, और ये जो से है ना, ये क्या कर रहा है, ये अन्य वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो है वो संबंध स्थापित कर रहा है। मारा बाण, किससे मारा, बाण से मारा, तो ये से क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। मैंने वही बताया कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ
संबंध सूचित हो उसे ही कारक कहते हैं। और आपको परीक्षा में सवाल क्या पूछे जाते हैं कि नी जो है वो कौन कारक है, तो कभी कभी या फिर वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि को कौन सा कारक है। तो यह हमें कारक के जो जितने भेद होते हैं आठ भेद वह हम लोग को याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग कारक के भेद पढ़ते हैं। कारक के आठ भेद होते हैं, कृपया इसे, मुझे उम्मीद है कि आप सबों को याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए या को आपादान से संबंध का के की या रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे रे अहो। देखिए यह आपको याद होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह, जब मैंने ये लिखा तो मुझे लगता है कि आपको पुरानी बातें याद पड़ गई होगी जो आपने सातवीं आठवीं कक्षा में पढ़ी होगी, तो इससे भी सवाल आते हैं और यही आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि बहुत ही आसान है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो। यह आपको याद रहना चाहिए क्योंकि सवाल क्या पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि को विभक्ति चिन्ह किस कारक का है, तो आपको यह बताना होगा कि को विभक्ति चिन्ह देख लीजिए किसका है, संप्रदान के लिए का, और को इसका भी है और यहां से भी है और से यहां पर भी है, लेकिन ये याद रखिएगा से जुदाई के अर्थ में है, ठीक है। और यहां से जो है वो किसी कार्य को किसी यदि वस्तु की सहायता से संपन्न किया जा रहा है तो वो ये करण वाले से का प्रयोग होता है, मतलब यदि किसी कार्य को करने हेतु यदि किसी शब्द का किसी वस्तु के माध्यम से यदि प्रयोग किया जा रहा है तो वह इस से का प्रयोग होता है। अब हम एक एक करके सभी को जानते हैं, कर्ता कारक किसे कहते हैं या कर्म कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, जो व्यक्ति काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए, राम ने मारा, यहां मारने का काम किसने किया, राम ने किया, तो यह राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। हां कहीं कहीं यह नहीं रहेगा, जैसे कि यदि यह लिखा हुआ है राम मारा, तो यहां पर भी यदि आपसे पूछा जाएगा कि राम मारा में कर्ता कारक कौन है तो राम होगा। यह बात याद रखिए, जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। कर्म कारक किसे कहते हैं, काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा, यहां देखिए मार किसको खाना पड़ा, या क्रिया जिसने मारने का काम किया उसका प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा, तो ये रावण क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। मैं फिर से इसकी परिभाषा को बता देता हूं, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा कर्म कारक, क्रिया जिसकी सहायता से की जाए उसे उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यहां पर मारने का काम किसकी सहायता से किया गया, बाण की सहायता से, तो यह बाण क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। फिर से याद सुन लीजिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जैसे मां ने
बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। यहां देख लीजिए के लिए लगा हुआ है, किसके लिए खिलौने खरीदेगा, बच्चों के लिए। तो ये बच्चों के लिए क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक हो जाएगा। या याद रखिए कि यदि किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मैं इसका भी एक उदाहरण बता देता हूं, जैसे गरीबों को दान दो, किसी को दिया जा रहा है, तो यदि दिया जा रहा तो वो संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपादान कारक। मैंने देखिए यहां पर लिख दिया है जुदाई के अर्थ में, मतलब यदि किसी का किसी से बिखराव हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब आप देखिए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो जहां पर अलग होने का सेंस हो उसे ही अपादान कारक कहते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे बंदर छत से कूद गया। अब यहां देख रहे हैं, क्या बंदर छत पे रहा, छत से कूद गया। तो जहां पर किसी का किसी से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे ही अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं संबंध कारक। जो ऐसा कोई शब्द है जो किसी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखा रहा हो उसे ही संबंध कारक कहते हैं। या तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संबंध, जैसे कि मीरा का घर नया है। आप यहां देख रहे हैं इस घर का किसके साथ संबंध दिख रहा है, मीरा के साथ। तो जहां पर का के की लगा हुआ रहे वहां वो संबंध कारक हो जाएगा। यह मुझे तो लग रहा है ना कि यह एक फॉर्मूला है, यदि आपको यह याद है तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। या फिर सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, इससे भी सवाल रहते हैं, ठीक है, कि के लिए जो है के लिए विभक्ति चिन्ह किस कारक का भेद है। तो इसलिए हमें यह पूरा याद होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको मौखिक रूप से सभी का परिभाषा बता दे रहा हूं और साथ में मैं उदाहरण भी प्रस्तुत कर दे रहा हूं। देखिए यहां संबंध कारक में मैंने यह लिखा है मीरा का घर अच्छा है। एक मैं हम लोग रारे री पर बनाते हैं, तो रारे री पर क्या बनाएंगे, जैसे कि यह मेरा भाई है। अब आप यहां देख रहे हैं यह मेरा भाई है, तो ये रारी री जहां पर आता है ना वो संबंध कारक को प्रदर्शित करता है। हाँ, रारी री अकेले नहीं रहेगा, तुम्हारे 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 पापा आए हैं, तो यहां पर पापा का किसके साथ संबंध दिखा, उस व्यक्ति के साथ जिस तुम्हारे पापा हैं, तो तुम्हारे के साथ। तो इसीलिए रारी री भी संबंध कारक होता है और काके की भी जो होता है वो संबंध कारक होता है। चलिए अब हम लोग आगे अगला चलते हैं, मे और पर। क्रिया जिस स्थान पर हो रही है उसे ही अधिकरण कारक करते हैं, मतलब क्रिया का आधार या स्थान बताने वाले शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब आप यहां देख रहे हैं बैठने की जो क्रिया है वो कहां पर हो रही है, पेड़ पर हो रही है। ठीक है, तो जहां पर क्रिया के होने का आधार पता चले, क्रिया का आधार या स्थान का पता चले उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। इसके अलावा देख लीजिए, शेर जंगल में रहता है। अब आप यहां देख लीजिए रहने का काम कहां हो रहा है, जंगल में हो रहा है। तो मैंने एक पर भी उदाहरण बता दिया और एक मे पर भी उदाहरण बता दिया। अब हम लोग देखते हैं संबोधन पे। संबोधन पे ही भी बहुत आसान है, यदि किसी व्यक्ति को पुकारा जाए, बुलाया जाए, सावधान किया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे जैसे अरे बालक उधर मत जाओ। यहां देखिए क्या किया गया, उस बच्चे को सावधान किया गया, अरे बालक उधर मत जाओ। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो ये सब शब्द क्या है, किसी को संबोधन किया जा रहा है, संबोधित करके कहा जा रहा है। तो यदि किसी को
जिस शब्द से किसी व्यक्ति को सावधान किया जाए, संबोधन किया जाए, उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया करें इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।